उनके पीछे पीछे श्री लखनलाल जी महाराज, लेकिन पत्थर को देखा भगवान राम ने कि पूछी, आगे वाले ने नहीं देखा। दो मिनट केवल मैं कुछ विचार प्रकट करूंगा। आगे वाले ने पाषाण को नहीं देखा, एक पत्थर है जो समुद्र में तैर रहा है, एक पत्थर आगे और है, आगे और एक पत्थर है जिससे पूरी लंका हिल गई थी। जोर से कलेजे से बोले, श्री हनुमान जी महाराज की शिलाभिश्च प्रहरता। सुंदरकांड के 42वें सर्ग के 35वें, 36वें, 37वें, 38वें श्लोक में हनुमान जी महाराज ने लंका में ललकारा था, अरे ऐसा पत्थर लेकर आया हूं कि 1000 रावण सामना नहीं कर सकते। तो आगे वाले को पत्थर नहीं दिखा, पूछी मुनि ही शिला प्रभु देखी, पीछे वाले ने देखा, जिनके नेत्र साक्षात सूर्य हैं। और आगे वाले के ना देखने का कारण क्या था, श्राप क्या था? न्याय दर्शन के आचार्य ने दोनों को श्राप दिया था। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आज का व्यक्ति होता तो इंद्र को श्राप देता, पत्नी का पक्ष ले लेता, लेकिन न्यायाचार्य जो है, न्याय दर्शन का जो आचार्य है, वो तथा सप्ताच वैसक्रम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, तथा सप्ताच वैसक्रम भार्यामपि च सप्तवान इह वर्ष सहस्त्राण। केवल पत्थर होने का श्राप नहीं था प्रेमियों, हजारों वर्ष तक उस आश्रम में पड़े रहने का श्राप था, हवा पीने का श्राप था, निराहार। सबसे बड़ा श्राप क्या था, अदृश्याश्रम। एक एक पत्थर की भी चर्चा हो रही है, लेकिन प्राणधारी पत्थर है। महर्षि गौतम ने कहा था, यहां हजारों लोग इस मार्ग से आएंगे और जाएंगे, लेकिन अदृश्या तू समस्त प्राणियों की आंखों से ओझल होकर यहीं पड़ी रहेगी। तो प्रेमियों, आगे वाले गुरुदेव भगवान नहीं देख पाए, और जो सारे जगत को देखते हैं वो पीछे वाले श्री राम ने अहिल्या को देख लिया और गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव ये कौन है। अहिल्या ने ही प्रभु को कहा था रोती हुई चरणों में कि एक पत्थर बनी हुई नारी का आपने उद्धार किया है रघुनंदन। भगवान राम बोले, माता आशीर्वाद दे दो, बाकी कोई मेवा मिश्री कोई पूरी पकवान की इच्छा नहीं है। अहिल्या रोने लगी थी कि मैं कोई स्वागत नहीं कर पाई। अहिल्या आंचल उठा करके प्रभु से बोली, जिस पत्थर का आपने उद्धार किया है, आज एक पति से बिछड़ी हुई पत्नी का आपने उद्धार किया है प्रभु, ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है कि एक ऐसा समय आपके जीवन में आएगा, आज तो मैं अपने पति से बिछड़ी हुई हूं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप अपनी पत्नी से बिछड़े होंगे। देखो पत्थर की कितनी बड़ी भूमिका है सनातन धर्म में। आज आज मैं अपने पति से बिछड़ी हुई हूं, और आज आपने एक पत्थर को अपने चरणारविंद से सजीव करके उसके पति से मिलाने का काम किया है, और एक ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है कि नारायण, जब आप अपनी पत्नी से बिछड़े होंगे तो यही पत्थर समुद्र में पुल बनाकर आपको आपकी पत्नी से मिलाने का काम करेंगे। एक शायर की दो पंक्ति याद आ रही है, ये इस्लाम धर्म वालों का भी पत्थर के बिना काम नहीं चलता, कोई कितनी भी कटिंग करे हमारे सनातन धर्म की। यहां पत्थर पूजे जाते हैं, वहां चूमे जाते हैं, बोलो जय श्री हरि। एक शायर ने लिखा कि अरब की बात जाने दीजिए, अरब में लोग जाकर पत्थरों को चूमते हैं, और हमारे सनातन धर्म में 80 प्राण प्रतिष्ठंत मंत्र से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। चार पंक्ति बड़ी बढ़िया याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूं। अरब की बात जाने दीजिए, ना आप गए ना हम गए, कोई देखा नहीं, अरब की बात जाने दीजिए, मुझको पता क्या है, वहां पत्थर की है क्या हैसियत, मुझको पता क्या है, हमें तो देखना है इस भारत में कितनी बुत परस्ती है, हमारे मुल्क ने पत्थर से कितनी दोस्ती की है, दरो दीवार पे पत्थर यहां जलवे दिखाते हैं, कहीं ये चूमे जाते हैं, कहीं ये पूजे जाते हैं, दरो दीवार पे पत्थर। एक पत्थर लिए बजरंग बली वृक्ष पर खड़े हैं, सुंदरकांड के 42वें सर्ग में जयत्यति बलो, इन्हीं चार श्लोकों को बोलते हैं, बाणी विराम दे रहा हूं। बड़े ऊंचे वृक्ष पर खड़े हो गए, और आजकल आजकल हम लोग जब विदेश से लौट के आते हैं तो वहीं का गुणगान गाते हैं,
और यहाँ भारत में रहने वाले, गंगा का पानी पीने वाले, यहाँ की रोटी खाने वाले सारी नकल विदेश की करते हैं। जन्मदिन जब होता है तो केक काट कर मोमबत्ती, शर्म करो थोड़ा। आप एक बात देख करके जाओ, भारत में रहो तो भारतीय पहचान। और तो सब खत्म हो गया, जब तब सब समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे साधनाएं समाप्त हो रही हैं, ऊपर का दिखावा बचा हुआ है। उसी ऊपर के दिखावा को भी आप अंग्रेजों का दिखावा करते हैं, आप मुगलों का दिखावा करते हैं, सनातन संस्कृति को कुचल रहे हैं। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर खड़े हुए तो लंका में राक्षसों के बीच में क्या बोले कि जयत्यति बलो राम, महाबली श्री राम की। देखिए कितने राक्षसों से बोले, बोलो नहीं तो गले में पूंछ लपेट के मार डालूंगा। ऐसे भी कथावाचक की आवश्यकता है, भय बिन हो न प्रीत। हनुमान जी बोले बोलो जयत्यति बलो राम। तो राक्षस भैया जो रावण का गुणगान गाने वाले थे, वो राजा रामचंद्र की जय बोले। एक बार हम लोग भी बोले, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आहा, लक्ष्मणश्च महाबला, महाबली लक्ष्मण की। राजा जयत, आजकल कोई हनुमान जी की जगह सुग्रीव जी का साथी होता तो राम जी को अपने घर लेकर चला जाता और हनुमान जी अवश्य राजा बन जाते। आज की बात होती क्योंकि पृष्ठ मारो पितौ वीरो जगाम कुंजरा, लेकिन नहीं, मर्यादा देखो। राजा जयत सुग्रीव, महाराजा अधिराज सुग्रीव की जय। वो राजा नहीं, राघवेणा भी पालिता। राक्षस बोले महाराज आप कौन हो? तो हम लोग होते तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम लगाकर परिचय देते, तो हनुमान जी ने कैसा परिचय दिया, दासो हम कोसलेंद्र से रामस्य आकृष्ट कर्मणा, आकृष्ट कार्य करने वाले श्री राम का मैं दास हूं। राक्षस बोले आपका काम क्या है? तो हनुमान जी बोले न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, ऐसे ऐसे पत्थर की चट्टान और ऐसे ऐसे पर्वत उखाड़ के मारना शुरू करूंगा ना कि हजारों रावण मेरे सामने युद्ध में खड़े नहीं होंगे। और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जी आए थे, महाराज जी का आदेश हुआ कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तो कुश्ती हमारे भारत का खेल नहीं है, भारत का खेल तो वही है, हमारे हनुमान जी महाराज का खेल है। कुश्ती लुप्त नहीं होनी चाहिए भारत से, बोलो बजरंग बली की। उस कुश्ती की एक झलक कवितावली में दिखाई दे रही कि हाथी न सो हाथी मारे। इसी के साथ बाणी विराम देता हूं एक छंद बोलकर। कवितावली रामायण में उसकी झलक दिखाई दे रही है कि हाथी न सो हाथी मारे, और घोरे सो संघारे घोरे, और रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की, और चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हाहरानी फौजे भाहरानी जातु धान की, और बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहेब सुजान की, और लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, और लांबी। ये कुश्ती की झलक है कवितावली में। हमारा जो भारतीय खेल है, एक हाथ से एक हाथी पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से दूसरा हाथी, दोनों को लड़ा देते हैं, मर जाता है। सोचिए एक एक गदा मारने में बड़ी देर लगेगी, 100-200 को पूंछ में लपेट के आकाश में फेंक देते हैं, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले जाते हैं और नीचे लौट के आते ही नहीं है। ऐसा दृश्य हनुमान जी महाराज का। हाँ, तो हनुमान जी भगवान श्री राम धनुष बाण टांग लेते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं लड़ाई बंद कर दो। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु लड़ाई क्यों बंद कर दे? प्रभु बोले लड़ाई करने का समय नहीं है, लड़ाई देखने का समय है। रामा दल में बहुत लड़े थे लेकिन देखने लायक लड़ाई केवल हनुमान जी महाराज की थी। भगवान राम ने अपने मुंह से कहा था देखो देखो लखन।